सब लोग करने वाले हैं नागिन डांस यहाँ पे। एक-एक को नचाऊंगी मैं। yes. हम नागिन। आदि नहीं चाहता है कि मैं इस पार्टी में आऊं, पर मुझे आना है बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी। और किसी की साजिशों के लिए खतरा है। अरे आप लोग डरिएगा मत, हम यहाँ पे आपको डराने के लिए नहीं आए हैं, हम हंसाने के लिए आए हैं या फिर डराने के लिए। ये तो आपके साथ ही पता चलेगा। बहुत डिफरेंट है ये करना, थोड़ा मतलब जो मैंने नहीं किया है, सो हाँ मतलब थोड़ा मुश्किल लगा बट सॉरी चलना। हाँ बोल दिया मैंने। बोल दिया? क्या बोला इसने? मैंने कुछ नहीं बोला। अरे बोलना, सॉरी। अरे नहीं कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा डिफरेंट, ऑफ कोर्स काफ़ी डिफरेंट है एंड स्पेशली लुक सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, जिसमें हमें बहुत टाइम लगा है आज। और जिसके बाद से मैं अपने मेकअप दादा को, अपनी हेयर दीदी को, सबको दूर रख रही हूँ कि मेरे पास ज़्यादा ऐसे मत आते रहो क्योंकि मैं इरिटेट हो रही हूँ बार टचअप से। बस मैं अच्छी लग रही हूँ। मुझे तो बहुत मजा आया ऐसे देख के, मैं सुबह से हंस रहा हूँ। का रिएक्शन ना ये ऐसे मैं आई सुबह से बस ये कर रहा हूँ और जेन्युइनली हंस रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं जान झूठ मूल, सच में मुझे हंसी आ रही है। वेरी फनी। नहीं अच्छी लग रही है बट अच्छी लग रही है लेकिन ऐसे ना ये मेरे ऊपर हंस रहा है, इसके हाथ में एक ट्रे दे दो बस। हाँ एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ी है, धोखा हुआ है मेरे साथ। सो इट्स लाइक कि आदि नहीं चाहता है कि मैं इस पार्टी में आऊँ, पर मुझे आना है बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी जिसमें मुझे इसको बचाना है। तो उसे कुछ बोलता है कि ये इस तरह की, मतलब एक तरह से ऐसे कोई फैंसी ड्रेस टाइप की पार्टी है, तुम आ नहीं पाओगी। और ये लोग फॉर्मल्स में और मैं ओवर स्मार्ट ना अभी क्या करूं। तो या तो ये धोखा होता है मेरे साथ बहुत बड़ा। अभी डांस होगा, अभी तो रिहर्सल होगा। आप पूरी सब लोग करने वाले हैं नागिन डांस यहाँ पे। एक-एक को नचाऊंगी मैं और मैं बीन बजाऊंगी तभी। प्लीज हमारा शो देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है एंड थैंक यू सो मच। हाँ कि जब तक मैं कुछ कंफर्मेशन नहीं देती हूँ किसी चीज़ का, मेरी टीम नहीं देती कंफर्मेशन, तब तक प्लीज़ कुछ ना माने। पहचाना हम नागिन। और किसी की साजिशों के लिए खतरा है। अरे आप लोग डरिएगा मत, हम यहाँ पे आपको डराने के लिए नहीं आए हैं, हम हंसाने के लिए आए हैं या फिर डराने के लिए। ये तो आपके साथ ही पता चलेगा। पर आज हमें ना एक मुहावरे का असली अर्थ पता चला, सांप सूंघ गया, क्योंकि बेचारी नागिन बहुत बदनाम है। मतलब अगर बहू से बनती नहीं है तो नागिन, कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो सांप को दूर मत मिलाओ, नागिन है, डस लेगी, जादू कर देगी। अरे कभी किसी ने चेक किया है कि एक्चुअली आज तक नागिन ने कितने लोगों को डसा है? कुत्ते के काटने से ज्यादा लोग मर जाते हैं और उससे ज्यादा इंसान को मारता है, लेकिन नहीं, बदनाम कौन है? नागिन। और जानते हैं क्यों? हम बता रहे हैं क्योंकि वो ऐसी जो किसी को भी अपने वश में कर सकते। लोग डरते हैं उसकी ताकत से, और यही सच है इसी समाज का। कि एक लड़की को उसकी अकल से नहीं, उसकी शक्ल से ना, उसकी सफलता की ऊंचाई से नहीं, उसके कपड़ों की लंबाई, उसके ब्लाउज की गहराई से तोले। अगर वो तेल लगा के गुद बना के सबके सामने आ जाए